उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के आवास के बाहर धरने पर बैठने की चेतावनी दी। उनका कहना है कि उत्तराखंड में किसानों को फसलों के लिए खाद नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से हरीश रावत की किसानों के प्रति पीड़ा धन सिंह रावत के घर के बाहर धरने के रूप में निकलेगी। हरीश रावत ने कहा कि धन सिंह रावत के आवास के बाहर धरना देने की चेतावनी दी है। हरिद्वार से लेकर उधम सिंह नगर तक किसानों को फसलों के लिए खाद नहीं मिल रहा। सहकारिता विभाग जिसको खाद की व्यवस्था करवानी है, वह विभाग सुस्त पड़ा हुआ है। यूरिया MP खाद किसानों को न मिल पाने से उनकी फसलों पर इसका असर पड़ रहा है। इतना ही नहीं, हरीश रावत ने यह भी आरोप लगाया कि उत्तराखंड के हिस्से का यूरिया बाहर सप्लाई हो रहा है। अम्बावत के लोग आए थे, किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं अम्बावत जी, उनके लोग भी आए थे, वो भी मुझसे यही बात दोहरा रहे थे। अभी जो है भगवानपुर के लोग आए थे, वो मुझसे यही कह करके गए। तो ये ऐसा नहीं है कि वो कह के गए साहब आपके ट्वीट के बाद कुछ हलचल बड़ी है, कुछ आया है जो है केंद्रों में यूरिया जो है, नहीं तो पहले यूरिया गायब हो जा रहा था और जब तक हम लाइन पर लगते तब तक अपने चहेतों को दे करके सब गोल कर लिया जा रहा था। तो ये चीज़ें हैं, इसको देखना चाहिए, इसको किसी को अपने खिलाफ नहीं लेना चाहिए, मंत्रियों को अपने खिलाफ नहीं लेना चाहिए, बल्कि सफाई देने के बजाय जो है यदि ऐसा है तो उसको दूर करना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ यदि कल तक भी लोग कह देते हैं कि यूरिया सफिशेंट, NPK सफिशेंट, दूसरी चीज़ें सफिशेंट, खाद उपवास उड़वा दूंगा, वो करेंगे कि मैं उस पर कोई वो नहीं करना चाहता। मैं खुद उपापूंगा। देखो एक मुख्यमंत्री रहा हो जो व्यक्ति, उसको किसी मंत्री के सामने जो है ये एम्बेरेसिंग पोजीशन नहीं पैदा करनी चाहिए। मुख्यमंत्री के वहाँ तो इसलिए उपवास पर बैठना पड़ता है कभी कभी, क्योंकि वो राज्य के मुखिया हैं, मंत्री सामूहिक जिम्मेदारी वाले हैं। लेकिन किसानों का मामला है, इसलिए सोचना पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि वो ऐसी नौबत नहीं आने देंगे, ऐसी इतनी बड़ी मशीनरी है सरकार की, यदि सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। लोगों को खाद दनादन मिलने लग जाए तो लोग हरीश रावत ने क्या ट्वीट किया था, क्या कहा था, उसको भूल जाएंगे, थैंक यू इन्हीं को कहेंगे, तो उनको थैंक यू लेनी चाहिए। और फिर वैसे भी जो है ये सहकारिता के घोटालों के बाद जो उनके ऊपर पाप चढ़ गया है, उसका कहीं तो प्रायश्चित करना पड़ेगा ना सर। मुख्य